सलो ऑनर्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे मंडे से लेके संडे तक ऐसे कौन से पोस्ट डाल सकते हैं जिससे आपकी सलो की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और आपकी सलो की ऑडियंस को वो पोस्ट भी पसंद आएंगे और उस कंटेंट की वजह से वो आपको फॉलो भी करेंगे और आपकी सर्विसेज के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। मंडे का जो आप पोस्ट डालें वो आप डालें हेयर इंस्पिरेशन के बारे में, जिसमें आप अपने सलो के हेयर कट्स के बारे में दिखा सकते हैं या सलो के हेयर केमिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में दिखा सकते हैं। ट्यूसडे का पोस्ट डालें अपने टॉप हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में, जिसमें कि आपके सलो का टॉप हेयर स्टाइलिस्ट जो भी सर्विसेज दे रहा है उन सर्विसेज को कवर करते हुए आप एक पोस्ट डाल सकते हैं। वेंसडे का पोस्ट आप डालें क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस हो। थर्सडे का पोस्ट डालें प्रोडक्ट शोकेस के बारे में, कि अगर आप जो भी एक कोई अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी ब्रांड का प्रोडक्ट जो आप अपने सलो में यूज कर रहे हो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे क्लाइंट्स के लिए, वो पोस्ट आप डाल सकते हैं थर्सडे को। फ्राइडे का पोस्ट डालें फ्लैशबैक के बारे में, कि पुराना आपका कुछ भी जो अच्छा काम है, जो भी आपके सलो में पुराने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, वो सब चीजें आप फ्राइडे को डाल सकते हैं। सैटरडे को जो आप पोस्ट डालें वो आप डालें बिहाइंड द सीन्स, आप अपनी टीम के बारे में डाल सकते हैं, आप अपने सलो की टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं वो पोस्ट आप डाल सकते हैं बिहाइंड द सीन्स में। और संडे का जो पोस्ट डालें वो आप ये डालें कि आप एज अ सलो ओनर आप खुद कैसे अपने आप की केयर करते हैं, आप अपने आप को एज अ सलो ओनर पैम्पर कैसे कर सकते हैं। ये सारे के सारे पोस्ट कंटेंट आइडियाज हैं जो कि आप मंडे से लेके संडे तक अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर पोस्ट डालने बहुत जरूरी है, और ये पोस्ट जब कंसिस्टेंटली रोज डालेंगे तो आपकी ऑडियंस को आपके ऊपर और ट्रस्ट होगा और आपकी ऑडियंस को आपकी सर्विसेज के बारे में और अच्छे से पता चलेगा।